अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंड ईयर बायोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, यानी वाटर के अंदर लाइफ कैसी होती है। और इसमें हम स्पेशली पढ़ेंगे ये जो फ्रेश वाटर लेक्स होती है, यानी ये जो झीलें होती है, हम एक झील का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसके अंदर लाइफ पढ़ेंगे कि ज़िंदगी कैसी होती है एक झील में। तो सबसे पहले देखें कि एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है ये दो तरह का होता है, यानी ये जो पानी के अंदर लाइफ है, वाटर लाइफ है, ये दो तरह की हो सकती है, या फ्रेश वाटर इकोसिस्टम या मरीन वाटर। और दुनिया में सबसे बड़ा इकोसिस्टम मरीन वाटर है 70%, और फ्रेश वाटर सिर्फ 1% एरिया पे है ज़मीन के। सो फ्रेश वाटर की प्रॉपर्टीज़ हम जो मरीन वाटर है इसकी और एक्वेटिक इकोसिस्टम की प्रॉपर्टीज़ हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं फ्रेश वाटर लेक्स के ये जो झीलें हैं ये कैसी होती हैं। एक जो झील है वो वेरी इन साइज डेप्थ एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट, यानी दुनिया के अंदर जो डिफरेंट लेक्स है उनका साइज डिफरेंट होता है, कोई बड़ी है कोई छोटी है, उनकी डेप्थ यानी कि गहराई डिफरेंट होती है, उनके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट यानी गजाई मादे डिफरेंट होते हैं, यानी लेक्स में वेरिएशन होती है, सारी लेक्स बिल्कुल एक जैसी सिमिलर नहीं होती। अगर हम बात करें एक लेक के अंदर लाइफ की, तो आप किसी भी लेक को चाहे वो छोटी है या बड़ी है उसको आप तीन जोन में डिवाइड कर सकते हैं, तीन हिस्से। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन, और लेक में जो लाइफ की डिस्ट्रीब्यूशन है वो आमतौर पे तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगी। जोन हम बाद में पढ़ते हैं, पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ जो है वो देखें लाइट की वजह से होगी। लाइट यानी लेक के जिस एरिया में लाइट मौजूद होगी वहाँ पे प्रोड्यूसर मौजूद होंगे, ठीक है। जिस हिस्से में लाइट नहीं है वहाँ पे प्रोड्यूसर नहीं होंगे, यानी ये जो ब्लू ग्रीन एल्जी है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, या जो फाइटोप्लैंकटन है, जो छोटे छोटे पौधे हैं वो। और दूसरी चीज़ जो लेक की लाइफ पे असरअंदाज होती है वो है न्यूट्रिएंट, और तीसरी है प्लेस ऑफ अटैचमेंट। अटैचमेंट यानी अटैच होने की जगह। आपको पता है बहुत सारे जानदार ऐसे होते हैं जिनको अटैच होने के लिए जगह चाहिए, मिसाल के तौर पे कोई पौधा प्लांट जो है। अब ये उस जगह पे तो हो सकते हैं जहाँ पे लैंड है, लेकिन बिल्कुल ओपन वाटर में प्लांट नहीं हो सकते। तो इसी बुनियाद पे आप जो लेक को लाइफ के जोन के लिहाज से तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन, प्रोफंडल जोन। बहुत आसान है। अच्छा, लिटोरल का मतलब होता है साहली, जो एक लेक का बिल्कुल किनारे वाला इलाका होता है। आप कह लें कि किनारे वाला, जहाँ पे पानी कम गहरा होता है, या आप कम गहरा भी कह सकते हैं, लिटोरल जोन कम गहरा जोन होता है किसी भी लेक का, जहाँ पे लेक स्टार्ट होती है। लिम्नेटिक, लिम्नेटिक का मतलब होता है ओपन वाटर वाला जो जोन है, जो बिल्कुल ओपन वाटर है। ओपन वाटर दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, एक टॉप वाला एक बॉटम वाला। अच्छा, ये देखें, ये हमारे पास एक लेक हो गई, ये मतलब लेक की जो नीचे वाली ज़मीन है वो है, और ये लेक का वाटर है, ठीक है। यहाँ से ज़मीन शुरू हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है ये गहराई बढ़ती जा रही है, यानी ये जो अब इतना एरिया है यहाँ तक, ये थोड़ा कम गहरा पानी है, ठीक है। अब ये सारा जो है ये, यानी कि आप यूँ समझ लें कि ये सारा, ये कौन सा है, ये ओपन वाटर है, ठीक है। ओपन वाटर ये हो गया, और ओपन वाटर से पहले ये जो जोन है जहाँ पे कम गहरा पानी है, इस पहले जोन को हम कहते हैं लिटोरल जोन। मैं लिख देता हूँ, दिस इज एक्चुअली लिटोरल जोन। ये जो ओपन वाटर है ये दो में डिवाइडेड है, एक ऊपर वाला पानी, ये ऊपर वाला पानी, इस ऊपर वाले पानी को या ऊपर वाले लेक के जोन को हम कहते हैं लिम्नेटिक जोन, दिस इज लिम्नेटिक। और नीचे वाला जो है बिल्कुल जो कह लें कि लेक का बॉटम हिस्सा है वो प्रोफंडल जोन है। तो अब लेक के तीन जोन बन गए, तीनों जोन देखे, ये वाला जहाँ पे प्लेस ऑफ अटैचमेंट भी है, यानी ज़मीन मौजूद है और बिल्कुल पानी भी कम गहरा है, और तीसरी चीज़ जो लाइट होती है जो कि लाइफ के लिए ज़रूरी है, इस एरिया में लाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेट करती है। ये जो जैसे जैसे आप किनारे से दूर जाते जाए लेक के, अब जो ओपन वाटर है वो दो में डिवाइडेड है, एक ऊपर वाला पानी जिसमें लाइट पहुंच जाती है, इसमें लाइट पहुंचती है, एक नीचे वाला पानी जिसमें लाइट नहीं पहुंचती। तो जो ऊपर वाला पानी है जिसमें लैंड तो नहीं है, लैंड नहीं है, लेकिन सिर्फ उस पानी के अंदर लाइट मौजूद है, उस वाटर के जोन को हम कहते हैं लिम्नेटिक जोन, और नीचे वाले को कहते हैं प्रोफंडल जोन। अब देखें, ये जो जोन है इसमें लाइट भी है
और इसमें लैंड भी है यानी प्लेस ऑफ अटैचमेंट भी है। तो इस जोन के अंदर कुछ प्लांट वगैरह उगेंगे यूं, वो पार्शली सबमर्ज भी हो सकते हैं पानी के अंदर, कम्प्लीटली सबमर्ज भी हो सकते हैं, और भी जो छोटे मोटे वर्टिब्रेट होंगे जैसे फ्रॉग वगैरह, टर्टल वगैरह, वो भी ज़्यादा इसी जोन में होंगे, ज़्यादा गहरे पानी में नहीं होंगे। अब ये जो ओपन वाटर है इसमें लाइट मौजूद है, लाइट की वजह से इसमें जो फोटोसिंथेटिक जानदार है ना वो मौजूद होंगे, कौन से जोन में, लैमनेटिक जोन में, और इसके अलावा फिशेज वगैरह मौजूद होंगी। जो प्रोफंडल जोन है अगर आप उसको देखें उसमें न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा होते हैं बॉटम पे, क्योंकि जो भी जानदार मरता है वो नीचे गिरता है, सो न्यूट्रिएंट काफ़ी है, लेकिन मसला ये है कि लाइट नहीं है, नो लाइट, तो प्रोफंडल जोन में कभी भी प्रोड्यूसर नहीं होते। हाँ कुछ मछलियाँ वगैरह होंगी, कुछ डिकम्पोजर्स वगैरह ज़रूर होंगे। तो ये मैंने आपको बेसिक सा स्केच दिया, इसको जहन में रखें। लिटोरल जोन जो कम गहरे पानी का साहली इलाका है, लिमनेटिक जोन जो ओपन वाटर का ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें लाइट है, न्यूट्रिएंट कम है, और प्रोफंडल जोन जो डीपर लेक है, जो डीपर हिस्सा है जिसमें न्यूट्रिएंट काफ़ी है लेकिन लाइट एब्सेंट है। अब हम इन तीनों हिस्सों की लाइफ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लिटोरल जोन, जैसे कि मैंने बताया ये साहली इलाका होता है, तो इसमें शैलो वाटर, शैलो वाटर मीन पतला कह ले, कम गहरा कह ले, थोड़ा पानी कह ले, इसमें कम गहरा पानी होता है। सो इस रीजन में इनफ लाइट इज़ प्रेजेंट, लाइट काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेट करती है। और एक चीज़ और देखिए कि सेडिमेंट्स कैरी न्यूट्रिएंट, ये जो लेक का ये वाला जोन होता है ना इसमें लहरें वगैरह आती रहती है, ये फर्स्ट जोन है, ये लेक का वाटर है, ये सारा यानी वाटर हो गया। तो इधर से ऊपर की तरफ ले यानी कि जो टाइड्स या जो लहरें वगैरह है ना वो आती रहती है, तो वो लहरें क्या करती है, लेक के अंदर से जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो गजाई मादे होती है, उनको ला के यहाँ पर डाल देती हैं। तो इस रीजन में लाइट भी है, प्लेस ऑफ अटैचमेंट भी है, न्यूट्रिएंट भी है, तो सबसे ज़्यादा लाइफ इसी रीजन में होगी लिटोरल जोन में। कौन कौन सी लाइफ होगी, इसमें प्लांट्स होंगे। तो लिटोरल जोन में दो तरह के प्लांट्स, एक ये वाला जो आधा पानी के अंदर है आधा पानी के बाहर, इसको हम कहते हैं पार्शली सबमर्ज्ड, और अगर कोई मुकम्मल तौर पे पानी के अंदर ही डूबा हुआ हो उसको हम कहते हैं कम्प्लीटली सबमर्ज्ड। दोनों तरह के प्लांट होते हैं लिटोरल जोन में। इसके अलावा लिलीज, वाटर लिली जिसको हम कमल का पौधा कहते हैं या कमल का फूल, ये भी मौजूद होता है। फिर इंसेक्ट वगैरह भी इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा मौजूद होते हैं लिटोरल में। फिर वर्टिब्रेट्स के अंदर आप देखिए फ्रॉग भी इसी रीजन में होते हैं, टर्टल जो पानी के कछुए हैं वो भी, और इवन वाटर स्नेक भी जो इनवर्टिब्रेट है उसमें हाइड्रा वगैरह, इसके अलावा हाइड्रा वगैरह भी, और मुख्तलिफ और जैसे कि कुछ प्रोटिस्टा वगैरह भी मौजूद होते हैं। एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन, इस रीजन में होते हैं प्लैंकटन, एंड प्लैंकटन जो लफ्ज़ है इसका मतलब होता है ड्रिफ्टिंग माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ड्रिफ्टिंग मीन फ्लोटिंग, यानी कि तैरता हुआ कोई ऐसा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटा है, जो वाटर के अंदर इधर उधर तैर रहा है, वो मौजूद होते हैं। और प्लैंकटन की दो किस्में होती है, फाइटोप्लैंकटन एंड जू प्लैंकटन। फाइटो मीन, फाइटो का मतलब होता है बच्चों पौधा, यानी जो ड्रिफ्टिंग प्लांट है, जो ऐसे माइक्रोस्कोपिक प्लांट जो वाटर के अंदर तैर रहे हैं। दो किंगडम सिस्टम के मुताबिक जैसे एल्जी, प्रोटिस्टा, कुछ माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, कुछ साइनोबैक्टीरिया, ये सारे जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं सिंपली, उनको हम कहते हैं ड्रिफ्टिंग प्लांट या फाइटोप्लैंकटन। फिर जूप्लैंकटन भी मौजूद होते हैं, जैसे ड्रिफ्टिंग एनिमल्स जिनको आप कहते हैं, यानी छोटे छोटे एनिमल्स जो तैर रहे हैं पानी में, जैसे प्रोटोजोन, प्रोटोजोन से मुराद है अमेबा, जूप्लैजिलेट, एक्टिनोपोड, फोरामिनी प्रांस जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। इसके अलावा कुछ क्रस्टेशियंस भी मौजूद होते हैं इसी रीजन में, क्रस्टेशियन यानी कुछ केकड़े वगैरह। फिर आ जाए जी दूसरा जोन लेक का, दैट इज़ लिमनेटिक जोन। मैंने बताया लिमनेटिक जोन पीछे कि ये ओपन वाटर होता है, इस वाटर के अंदर लाइट तो बहुत होती है लेकिन न्यूट्रिएंट कम है, सो मच लाइट प्रेजेंट। इस मच लाइट की वजह से इसमें फाइटोप्लैंकटन मौजूद होंगे जैसे साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया को ब्लूग्रीन एल्जी भी कहते हैं। इसके अलावा जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो भी मौजूद होंगे, ठीक है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फिर कुछ और फाइटोप्लैंकटन, ये एक यानी कि इस रीजन के अंदर फाइटोप्लैंकटन जो है वो खाते हैं प्रोटोजोन को, प्रोटोजोन भी इसमें मौजूद होते हैं, क्रस्टेशियन भी, इन चीज़ों को खा जाती है फिश,
तो फिश भी इसी जोन में मौजूद होती है, काफ़ी ज़्यादा फिश। आपको पता है अगर हमने लेक में मछलियाँ पकड़नी हो तो किनारे पे कम मिलती है, ओपन वाटर में ज़्यादा होती है। इसके बाद तीसरा जोन है जी प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल यानी कि डीप वाटर का जोन। इस जोन में क्या चीज़ें मौजूद होती है, नो लाइट, लाइट नहीं है फॉर फोटोसिंथेसिस, इसलिए इस रीजन में कोई भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ मौजूद नहीं होता। तो इस रीजन के अंदर जो जानदार है दे आर नरिश्ड बाई डिट्राइटस। नरिश्ड मीन गिजा, वो डिट्राइटस से अपनी खुराक हासिल करते हैं। डिट्राइटस क्या होता है, गले सड़े मादे, ऊपर से जो जानदार मर के गिरते हैं उनकी बॉडी से। सफिशेंट न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट इसमें बहुत है, इसलिए इस रीजन में जो जानदार पाए जाते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, उनमें शामिल है डिट्राइटस फीडर जैसे बैक्टीरिया और फिंजाई। ये डिकम्पोजर है, डिकम्पोजर मौजूद होते हैं इस रीजन में, स्नेल मौजूद होते हैं, फिशिज और कुछ इंसेक्ट जो है उनके लार्वे वगैरह, सुंडिया वगैरह भी इसी रीजन में मौजूद होती है। तो ये पूरा टॉपिक हो गया जी फ्रेश वाटर लेक्स का। एक्वाटिक इकोसिस्टम से रिलेटेड एक और टॉपिक, आखिरी टॉपिक है इसी चैप्टर का, वो देखते हैं, इंटरवेंशन ऑफ मैन इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो बच्चों इंटरवेंशन मीन मदाखलत। आपको पता है कि इंसान जो है इसने एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर, इसकी वजह से इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कुछ चेंजेस आ रही है एक्वाटिक इकोसिस्टम में। वो चेंजेस क्या है, वो इंटरवेंशन क्या है, वो देखें कि यूट्रोफिकेशन, इंसान की कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से यूट्रोफिकेशन हो रही है। एंड यूट्रोफिकेशन का बच्चों मतलब होता है इंक्रीज्ड न्यूट्रिएंट। लेक के अंदर, झीलों के अंदर, पानी के अंदर गिजाई मादे बढ़ जाते हैं। गिजाई मादे क्या है, फॉस्फेट, नाइट्रेट वगैरह। आमतौर पे कुदरत ने एक सिस्टम बना रखा है, उस सिस्टम के मुताबिक लेक में न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं होते, वो उतने होते हैं जितनी ज़रूरत होती है लेक की। लेकिन जब इंसानी एक्टिविटीज़ के नतीजे में न्यूट्रिएंट बढ़ जाते हैं लेक में, तो फिर उस वजह से एल्जी की ग्रोथ बढ़ जाती है, कुछ माइक्रोस्कोपिक प्लांट की ग्रोथ बढ़ जाती है। इस चीज़ को हम यूट्रोफिकेशन का नाम देते हैं। मैंने ये एक फ्लो शीट सी बनाई है, देखिए सबसे पहले जो फार्म फीड लॉट्स है, फार्म फीड लॉट से मुराद ये है कि ऐसी जगह जहाँ पे हम लाइव स्टॉक रखते हैं, लाइव स्टॉक मवेशी वगैरह जो जहाँ पे हम पालते हैं, उनका जो चारा वगैरह है वो भी एक तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं। फिर जो हमारा सीवेज वाटर है यानी नालियों का गंदा पानी है जिसमें ह्यूमन फीसिस मौजूद होते हैं वो, फिर जो इंसान डिटर्जेंट यूज़ करता है, साबुन सर्फ वगैरह, इसके अलावा मैन्योर यानी कि गोबर और फर्टिलाइज़र यानी कि खादें। अब ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से ये बह के कभी कभी पहुंच जाती है फ्रेश वाटर लेक्स तक। तो इस तरह के वाटर में मौजूद होते हैं फॉस्फेट और नाइट्रेट, ये दोनों हैं न्यूट्रिएंट्स। यानी कि आपने फर्ज कर ले कि घर के अंदर कपड़े धोए, वो पानी नाली में चला गया, नाली से वो पानी तालाब में, दरिया में चला गया, लेक तक पहुंच गया, तो लेक के अंदर ये पहुंच जाएंगे फॉस्फेट और न्यूट्रिएंट और नाइट्रेट वगैरह। इसी तरह फर्टिलाइज़र, खाद्य इस्तेमाल की, बारिश हुई, वो वॉश आउट हुई, वो वॉश आउट होकर किसी तरह लेक में पहुंच गई, तो मैंने लिखा है लेक्स तक ये न्यूट्रिएंट पहुंचे। इसकी वजह से क्या होगा, अब होगी यूट्रोफिकेशन यानी कि न्यूट्रिएंट्स बढ़ गए। अब न्यूट्रिएंट के बढ़ने से मोर ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन की ग्रोथ बहुत इंक्रीज होगी। तो फिर ये जो फाइटोप्लैंकटन है, ये जो ज़्यादा हो गए हैं, ये उस लेक के टॉप के ऊपर आ जाएंगे। मसलन ये एक लेक है वाटर की, इसकी टॉप के ऊपर ना ये जो फाइटोप्लैंकटन है ये एक लेयर बना देते हैं, यानी एल्जी वगैरह की एक सब्ज रंग की तह बन जाती है। जिस तरह से आपने देखी होगी जो छप्पड़ वगैरह होते हैं, जो तालाब वगैरह होते हैं जिनमें गंदगी ज़्यादा हो, उनके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, उसको हम स्कम भी कहते हैं। तो स्कम की एक लेयर आ गई टॉप के ऊपर लेक के, ये क्या करेगी, ये सूरज की रोशनी को अंदर नहीं जाने देगी। ये लेयर एक्चुअली एल्जी पर मुश्तमिल है, एल्जी के अलावा कुछ और फोटोसिंथेटिक जानदार जैसे सायानो बैक्टीरिया, उन पर ये मुश्तमिल है, सायानो बैक्टीरिया, एल्जी, जितने भी फोटोसिंथेटिक जानदार है। नीचे इसने लाइट नहीं जाने दी, तो उस लाइट ना पहुंचने की वजह से नीचे जो जानदार है वो मरना शुरू हो गए। एक तो लाइट भी अंदर नहीं पहुंच रही, दूसरा ऑक्सीजन की भी कमी हो गई, सो लेस ऑक्सीजन अंदर। अब इस ऑक्सीजन की कमी से पता क्या होगा, इस ऑक्सीजन की कमी से फिश मर जाएगी अंदर। फिश के अलावा जो छोटे मोटे दूसरे जानदार है, जैसे कि दूसरे जानदारों में प्रोटोजोन वगैरह है, वो भी मर गए। जो इंसेक्ट के लार्वे वगैरह है वो सारे भी मरना शुरू हो गए
ऑक्सीजन की कमी से अंदर जो प्रोड्यूसर है वो भी ख़त्म होना शुरू हो गए, अगर कोई प्लांट वगैरह यहाँ पे उगे हुए हैं तो लाइफ अंदर से एलिमिनेट होने लगी, ऊपर से लाइफ जो है वो मौजूद है। अब जब अंदर जानवर मरेंगे तो इनकी बॉडीज जो है उनको डीकम्पोज किया जाएगा, डीकम्पोज कौन करेंगे, बैक्टीरिया। अब अंदर बैक्टीरिया की तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी, डीकम्पोजर बैक्टीरिया की, और ये बैक्टीरिया जो है ये अंदर से रही सही ऑक्सीजन भी ख़त्म कर देंगे। अब अंदर ऑक्सीजन भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, जानदार मर भी रहे हैं, बैक्टीरिया उनको डीकम्पोज करते जा रहे हैं, तो अंदर का माहौल बड़ा ही ख़तरनाक होता जा रहा है। ये बैक्टीरिया और ज़्यादा ग्रो करते हैं, इवन अगर ऑक्सीजन कम भी हो जाए ना, ऐसे माहौल में भी कुछ एनएरोबिक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, वो फिर गंदी स्मेल भी पैदा करते हैं, तो इस तरह की जो लेक्स होती है इनसे बहुत बुरी किस्म की फाउल स्मेल आना शुरू कर देती है। तो ये है नुकसान, यानी सारी लाइफ ख़त्म हो गई, एलजी की लेयर बन गई, सिर्फ वो एलजी वो कम ही मौजूद है, ऊपर या नीचे डीकम्पोजर बैक्टीरिया मौजूद है। एक दूसरा नुकसान भी पहुंचता है लेक को इंसान की इंटरवेंशन की वजह से, वो है एसिडिटी। जो हम फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं ना, इन फॉसिल फ्यूल्स के जलने से कुछ एसिडिक मटीरियल पैदा होते हैं, ये जब लेक्स तक पहुँचते हैं लेक्स एसिडिक हो जाती है। और आपको पता है वाटर की नॉर्मल पीएच होती है 7, अब लेक की पीएच कम होके 6 रह गई, इस 6 पीएच पे 5 पीएच पे बहुत सारे जानदार जो है उस पीएच को टॉलरेट नहीं कर सकते, तो ये एक डिफरेंट तरह का थ्रेट है जो एक्वेटिक लाइफ को हो सकता है ड्यू टू एसिडिटी ऑफ लेक। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ और ये एक्वेटिक इकोसिस्टम भी ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफिज़।